good morning, good afternoon. So I am here again to present yet another dish, and it has been requested from very close friends. And today we will be going to make Rajasthani gatte ki sabzi. So let's start preparing the Rajasthani gatte ki sabzi, in which the gattas will be made out of the chickpea flour or the besan flour. So ingredients जो गट्टे के लिए चाहिए वो हम नोट कर सकते हैं. स्टार्टिंग विद, हम पहले गट्टे के लिए जो आटा है वो हम मिक्स करते हैं. उसको हम आटा फॉर्म करके गट्टे बना के स्टीम करने के लिए रखते हैं गट्टे. तो जो भी सामग्री हमें गट्टे बनाने के लिए चाहिए वो इस प्रकार से है. यू कैन हैव वन बाउल ऑफ चिकपी फ्लावर या फिर बेसन. उसमें टेस्ट के अनुसार लाइक 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून ऑफ फाइनली क्रश्ड ग्रीन चिलीज, और इसमें जाएगा हमारे मिक्स करने के लिए इसमें एडिशनल जाएगा इसमें कर्ड. कर्ड यहाँ पे मैंने हाफ अ बाउल लिया है, हाफ से भी कम बाउल क्वांटिटी में है ये कर्ड, जो कि इसका आधा पार्ट जाएगा इसको मिक्स इसमें गट्टे में मिक्स करने के लिए, और रेस्ट आधा हम डालेंगे ग्रेवी में अपने टेस्ट के हिसाब से कितना खट्टा हमें चाहिए. सो वी विल रिक्वायर कर्ड. हमें चाहिए फिर अनियन किसे हुए या फिर ग्रेटेड या ग्राइंडेड. यहाँ पे मैंने ग्राइंडेड अनियंस लिए हैं. लगभग 3/4 बाउल हमारा टोमेटोज का. अजवाइन, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, और जो सूखे मसाले हमें चाहिए वो इस तरह से हैं. गट्टे बनाने के लिए जो हमें चाहिए उसमें गट्टे में जाएगा हमारा नमक, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, और फाइनली हमारी ग्रेवी बनाते टाइम जब हमें जो मसालों की ज़रूरत रहेगी वो यही सारे मसाले. एडिशनल हम इसमें डालेंगे जीरा और तेज़पत्ता और दालचीनी पाउडर और अदरक और लहसुन टेस्ट के हिसाब से. तो आइए बनाना शुरू करते हैं हम गट्टे. आइए बनाना शुरू करें गट्टे. गट्टे के लिए मैंने इसमें बेसन लिया है, अदरक डाला है और हरी मिर्च डाली क्रश्ड. अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच जो हमने बताया था वो, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची क्योंकि मिर्ची ऑलरेडी है इसमें तो हम ज्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे, और इसके बाद हमें डालना है कर्ड. इसका मेन जो गट्टे सॉफ्ट बनने का, आपका गट्टे सॉफ्ट बने क्योंकि कई बार होता है कि गट्टे आप बॉईल करते हैं और एकदम वो बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, जो कि यदि आप जब तक उसको फ्राई नहीं करेंगे तब तक वो मज़ा नहीं आएगा. बट ये गट्टे जो आप बनाना चाहें, और यदि आप ऑयल में तलना नहीं चाहते हैं, डीप फ्राई नहीं करना चाहते हैं, तो इट्स बेस्ट कि आप इसको बहुत अच्छे से इसमें मोइन डालते हुए, दही से मारते हुए आप अच्छे सॉफ्ट गट्टे बना सकते हैं, और बॉईल करके हम केवल बिना फ्राई करे हुए गट्टे की सब्जी भी बना सकते हैं. और गट्टे की सब्जी के दो वेरिएशन हो सकते हैं, या तो आप लिट्टी गट्टे की सब्जी बना सकते हैं जो कि राजस्थानी एरियाज में जैसे कि उदयपुर, जोधपुर और मेवाड़ क्षेत्रों में, वहाँ पे अधिकतर लिट्टी सब्जी ही मिलेगी आपको. यदि आप बहुत ही रॉयल रिच ग्रेवी युक्त सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें फिर क्रीम और ग्रेवीज का वेरिएशन कर सकते हैं, और उसको उसके हिसाब से आप कंसिस्टेंसी रख सकते हैं. पान रनिंग ग्रेवी नहीं होना चाहिए इसकी, कि ग्रेवी हमेशा थिक रहेगी और अच्छी, उसमें टोमेटोज और अनियंस का अच्छा भुने हुए और अच्छे तरीके से फ्राई करे हुए, और उसमें क्रीम, उसकी ग्रेवी क्रीमी, जब तक क्रीमी नहीं रहेगी तब तक आपका टेस्ट नहीं आएगा गट्टों का. तो आइए हम गट्टे बनाना शुरू करते हैं. तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं. I'm adding oil
ठीक है, और अपने मैंने इसमें डाल दिया बेसन, और आवश्यकता अनुसार मैं इसमें पानी भी डालूंगा। तो अभी हम लेते हैं, हाथ धो लें, कभी भी आप जब भी कोई भी चीज इस तरह से आप यदि हाथ से कोई काम करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप हाथ धो के पोंछ के और फिर ही करें। दही से एक सॉफ्टनेस आएगी, हल्का सा खटास आएगी और गट्टे बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। पानी का ध्यान रखिएगा कि पानी बहुत ज्यादा ना हो जाए। ये हो सकता है कि पानी यदि ज्यादा हो जाए तो आप उसको फिक्स करने के लिए आप थोड़ा सा बेसन और एड ऑन कर सकते हो, बट कोशिश करिए कि ज्यादा ना हो पानी। अब जैसे कि मैंने अभी इसमें आपके सामने दिख रहा है आपको कि मैंने जितना पानी डाला है, इट शुड बी मोर देन सफिशियंट कि मेरे गट्टे आराम से कंबाइन हो जाए आटा और चिपके भी ना। और आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी आप यदि कभी आप जब बेसन को आप कंबाइन करते हैं और आप डो बनाते हैं बेसन का, तो वो हमेशा स्टिकी रहेगा क्योंकि बेसन की जो कंसिस्टेंसी है इट विल बी नॉट एज कंपेयर टू मैदे की कंसिस्टेंसी या मैदे के जैसा, जैसे मैदा या जो भी ग्लूटेन जिसमें रहता है जिन आटों में, जैसे कि आपका जो चपाती वाला आटा है या रोटी वाला आटा है या फिर हमारा जो मैदा है, इन सब में ग्लूटेन रहता है। एंड द रीजन इज कि मतलब वो इतने स्टिकी नहीं रहेंगे जितना स्टिकी आपका ये चिकपी फ्लावर रहता है। अमेरिका, यूएस, इंडिया, जहां पे भी हैं क्रॉस ग्लोब, तो राजस्थानी थालियों का ये अभिन्न हिस्सा है सब्जी गट्टे की। थोड़ा सा मैं ऑयल लेते हुए हाथों में अपने हाथों को बहुत ज्यादा कड़क नहीं मानना है आटा। देखिए आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए, और यही ट्रिक है कि यदि आप आटा सही मारेंगे तो आपके गट्टे बहुत अच्छे बनेंगे, उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। और देखिए आटा कितना सॉफ्ट है। अब करना क्या है हमको, इनकी पतली पतली हम ऐसे रोल्स बना लेंगे लाइक दिस। इनको मुठिया भी बोलते हैं, जैसे मुठिया, ये जो टर्म्स मैं जो यूज कर रहा हूँ ये सारे टर्म्स इंडिया में इंडियन कुकिंग के टाइम यूज की जाती है, तो जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं या जो फेमिलियर हैं घर में जब खाना बनता है तो ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं जो कि बोली जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड मुठिया आल्सो, और इनको हमें बॉईल करना है। मुठिया गर्म हो गया है और पानी में हम इन मुठियाओं को ऐसे डाल देंगे। आधा ये जो बर्तन है जिसमें मैंने पानी लिया उसके आधा भर सकते हैं पानी, जो भी बर्तन आप ले रहे हैं छोटा, डिपेंडिंग अपॉन। जैसे ये जो गट्टे हैं ये ऑलमोस्ट 3 से 4 लोगों के लिए सफिशिएंट है। इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। हम डालना शुरू करते हैं मसाले। जीरा, तेज पत्ता, टमाटर और प्याज आप एक साथ भी डाल सकते हैं। कहा जाता है कि एक साथ नहीं डालना चाहिए, पहले टमाटर भुन जाए फिर डालना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों चीज़ें एक साथ भी डाल सकते हैं। और हल्दी, दालचीनी और हमारे अदरक को
हम आज की डिश में अपने गट्टे फ्राई नहीं करेंगे, ऑप्शन आपके पास है। यदि आपको फ्राई करके बनाना है तो आप फ्राई करके बना। इधर जहाँ राजस्थानी लोग रहते हैं, जैसे कि सेब की सब्जी, लौंग के सेब की सब्जी, जो कि इंदौर, भोपाल इन जगहों पे फेमस है, राजस्थान के अलावा भी। लौंग की आपकी जो लौंग के सेब होते हैं या नॉर्मल सेब जो बेसन के होते हैं, आप उनकी भी सब्जी सेम इसी तरीके से आप उसकी भी बना सकते हैं। यदि किसी दिन आपको गट्टे नहीं बनाने हैं या गट्टे की सब्जी नहीं बनानी है और बेसन का कुछ ऐसा खाने की इच्छा हो रही राजस्थानी, तो आप मोटे सेब यदि घर में रखे हैं आपके पास, जो लोग MP को बिलोंग करते हैं या जो लोग राजस्थान उदयपुर जयपुर एरियाज को बिलोंग करते हैं, तो उनके घरों में नमकीन बहुत आसानी से मिल जाता है। और मैं बेसन के सेब की बात कर रहा हूँ, ना कि भुजिया की। तो आप पुष्कर उदयपुर जयपुर इन एरियाओं में आपको ये सब्जियाँ भी बहुत आसानी से मिलेंगी, अलॉन्ग विद उनकी जो रीजनल सब्जीज होती हैं जैसे केर सांगरी, और ये सब्जियाँ जो कि डेजर्ट में बहुत ईजिली उगती हैं, इसलिए ये सब सब्जियाँ उनकी थाली का हिस्सा हैं। अलॉन्ग विद क्योंकि वहाँ सब्जियाँ अधिकतर होती नहीं है राजस्थान में, तो यही कारण रहा है कि इस तरह की सब्जियों को बढ़ावा दिया गया है, जो कि स्वादिष्ट भी हैं, हेल्दी भी हैं, और कर सकते हैं। और हम इसको पानी इसका ड्रेन नहीं करना है, एक बार ये ध्यान रखिएगा। पानी इसका हम यूज़ कर लेंगे इसकी ग्रेवी के लिए, तो हम इसको पानी फेंकिएगा नहीं, इसका पानी में ही अधिकतर टेस्ट है इसका। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा मसाला पक चुका है, और अब हम हल्का मिलाते हुए मसाले को, अभी तेल जब तक ना छोड़े मसाला, थोड़ा सा हल्का और होने का मसाला जब तक तेल ना छोड़े। ये देखिए गट्टे एकदम हार्ड नहीं बने गट्टे, और बिल्कुल इस तरह से स्पंजी बने गट्टे, ये देखिए। और क्योंकि इसमें हमने हल्की सी मिर्ची अदरक भी डाली थी, तो उसकी फ्रेगनेंस भी है इन गट्टों में, और लगभग आप ये बोल सकते हैं कि ये ढोकलों की कंसिस्टेंसी की है। जैसे कई बार आप घर में ढोकले बनाते हैं तो उनकी जब से कंसिस्टेंसी हो जाती है, वो ढोकलों की कंसिस्टेंसी नहीं कहलाती, बट हाँ डेफिनेटली वो गट्टों की कंसिस्टेंसी हमारी वैसी होना चाहिए। ये हमारे गट्टे हैं, तो अब दो ही चीज़ें बचती हैं, गट्टे और साथ में हमारे कुछ दही जो कि ग्रेवी में ऐड करना है। तो पानी डालने अपने हिसाब से आपको जितना पानी इसमें डालना है, क्योंकि गट्टे भी थोड़े पानी सोखेगा, तो हम पानी डालने के बाद इसको हल्का सा ढक दें पहले। और पानी इसलिए कम डाल रहे हैं क्योंकि बाकी बचा हुआ पानी जो हम डालेंगे वो हमारा जो गट्टों का पानी है हम लास्ट में वो भी ऐड करेंगे। तो इसी पॉइंट पे हम जिस टाइम ये सिमर हो रहा है उस टाइम पे हम ये गट्टों का पानी और इसमें थोड़ा गट्टों का मिश्रण भी, तो ये अपने आप ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हल्के से जो गट्टों का जो थोड़े से टूटे हुए गट्टे रह गए थे, वो आप इसको हल्के से हल्के हाथों